श्याम सुंदर का एक नाम है रसिक शेखर, वो मौली मणि है रसिकों के, और पल्ली पार लेकर भी वही जाते हैं। जहां विराजे राधा रानी, अतल वितल सुतल महीतल तलातल महातल पाताल भूलोक भुरलोक महरलोक स्वलोक तपलोक गोलोक सब उल्ली पार है। जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार कन्हैया। जो बात मैं अभी निवेदन कर रहा था, ये आवरण स्वयं वो भंग करते हैं। महाप्रभु एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, कैशोराद्भुत माधुरी भर दुरीणांग छविम राधिकाम प्रेमोल्लास भराधिकाम निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्धिय त्यक्ता कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मे प्यहो निर्ममा सर्वाश्चर्य गतिम गताम रसमयीम तेभ्यो महद्भ्यो नमः। बोले वृंदावन के रसिकों की गति मति रति कुछ ऐसी विलक्षण असाधारण हो जाती है। रसिक कौन? ये बात समझनी आवश्यक है। लंबा तिलक जैसे मैंने लगाया है और मीठी वाणी, वो भी लोग कहते हैं मेरी है। लंबा तिलक और मीठी वाणी दगाबाज की यही निशान, डोंगरे बापा कहते थे, मैं नहीं कह रहा, संत के मुख से सुना। छाड़ रसिक रसिकनी जू के रस विहार की बात, न और ठौर जाने न मन चले तासु रसिक कहिए। सिद्धांत प्रतिष्ठित किया है रसिकों ने। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ही में पद पंकज राधिका के अवलोकु स्वर्गन नरकन में गति नाहि बिना जु बिहारिन नाम के मोकु। भोली सखी कहती है कैसा रसिक, अहो लड़ेती इतनी मोपे कृपा करो बलिजा, अहो लड़ेती इतनी मोपे कृपा करो बलिजा। सोवत जाग रटू निरंतर जान परे नहीं सांझ सवेरो ऐसे जन्म गवां। जान परे नहीं सांझ सवेरो ऐसे जन्म गवां। सुबत जा महाराज ने लिखा है, श्वास श्वास सिमरे गोविंद मन अंतर की बिण से चिंतन, हर श्वास में तुम्हारा नाम लूं। पर वृंदावन के रसिकों की बात थोड़ी और विलक्षण है, वो कह रहे हैं हर श्वास में नाम ले लूं। जब लो नाम श्वास तब ही लो एक में एक है जान। जब लो नाम श्वास तब ही लो एक में एक हो जान। सोवत जाग
कृष्ण 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 कहने में थोड़ी अड़चन है साहब, इसीलिए ब्रज के रसिक कहते हैं हमारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। मिठाई को खाने में थोड़ा प्रयास है, लड्डू को खाने में, रसगुल्ले को खाने में थोड़ा प्रयास है, मलाई को खाने में कोई प्रयास नहीं है। किसी शायर ने कहा कि 100 बातें 1000 सवाल, 100 बातें 1000 सवाल और जवाब एक सिर्फ तुम। महाप्रभु कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जछटा। ये जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सच उपाय। गोपी ने बहुत बड़ा विज्ञान दिया साहब उद्धव को। उद्धव वैसे सूधे होने वाले नहीं थे, उद्धव ब्रह्मज्ञानी हैं, उनका ज्ञान अतुल है, अनुपम है, रूप और गुण में श्री कृष्ण के समकक्ष हैं। आखिर क्या बात कही गोपी ने कि सूर बाबा कहते उधो सूधो भयो है। सब सुनने के बाद गोपी कहती अरे उधो एक बात बता, मन ना भय 10-20 एक सो सो तो गयो शाम संग। बोले मन से ही तो आराधना करने की बात तो कहता है, मन तो एक था, वो मनमोहन ले गया, मन मिटता नहीं साहब। मन मिटता तो 70,000 वर्ष तपस्या करने वाले विश्वामित्र का मिट जाता, तो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया, प्रकृति का नियम बदल गया, लेकिन मन नहीं मिटा। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं एक फकीर की बात में अक्षर थोड़े होते हैं अर्थ अमित होता है। वो कहते हैं बुल्लिया रब दा की पाना एथों पुटना ते एथे लाना। मन मिटेगा नहीं साहब, मन तो मन मोहन में मिल जाएगा, ये बिंदु तो सिंधु हो जाएगा। कथा सत्संग कीर्तन श्रवण किस लिए है, चित्त द्रवीभूत हो जाए। आपने लाख देखी होगी लाक्षा, उसमें यदि आपको हल्दी मिलानी है तो लाख का गर्म होना आवश्यक है, और यदि एक बार ताप से तपी उस लाख में आप हल्दी मिला दें फिर लाख भी चाहे तो उसे अपने से अलग नहीं कर सकती। ठीक ऐसे ही वृंदावन का सेवन करते करते जब चित्त द्रवीभूत होता है, आपकी दृष्टि में ये धूल हो सकती है, आपकी दृष्टि में ये कंकड़ पत्थरों से भरी गलियां हो सकती हैं, पर वस्तुतः तो वृंदावन वृंदावन है। न्यारो है सब लोक ते श्री वृंदावन निज गे, खेलत लाडली लाल जहां भीजे सरस सने। हाँ एक बात अलग है कि माघ के महीने में गंगा स्नान करो तो पुण्य तो मिलता है, आनंद नहीं आता, और जेठ के महीने में गंगा स्नान करो तो पुण्य भी मिलता है आनंद भी आता है, निकलने को मन नहीं करता। ठीक इसी प्रकार प्रतीति हो, प्रीति नहीं प्रतीति हो, तो सेवन का लाभ भी है और सेवन से आनंद भी है। आपको और मुझे हम जो भी भजन साधन करते हैं उस भजन और साधन की प्रतीति न होने के कारण ही उसमें आनंद नहीं आता। एक और एक रसिक संत कहता है इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। और यहां सैकड़ों प्रयास करने पड़ते हैं। 5 मिनट ऊपर हो गए, मेरा भी मन वहां जाने लगा, 10 मिनट और ले सकता हूं मैं तो, मेरा भी मन जाने लगा, समय हो गया। सिनेमा में कभी घड़ी नहीं देखते हम, कभी नहीं देखते, किसी की शादी ब्याह में कहे ओ 3 बज गए पता ही नहीं चला, यहां तो साहब 7:30 बज जाएगी तो सारी दुनिया में पता पड़ जाएगा आज महाराज जी ने आधा घंटा ज्यादा ले लिया, सब काम बिगड़ गए, टाइम टेबल खराब हो गया। किस लिए? उसका कारण है कि जिस वस्तु का हम सेवन कर रहे हैं उसकी प्रतीति नहीं है, और प्रतीति नहीं है तो प्रीति तो होनी असंभव है, बिना प्रतीति के प्रीति नहीं होती।
जो होती है वो ताश के पत्तों का बना महल है, नेक सी हवा आएगी और ढह जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी बातें यहां हो रही हैं, आप तो सुन रहे हैं साहब मैं बड़ा अपराधी हूं, मैं कर रहा हूं कि मोए तो भरोसो मेरी राधा महारानी को, पर जब जीवन में प्रतिकूलता आती है, तन का व्यभिचार करने वाला व्यक्ति कितना घृणित तो होता है समाज में, कितना तिरस्कृत होता है, और हम प्रतिपल मन से व्यभिचार करते हैं। गंगा नहाई तो गंगादास, जमुना नहाए तो जमुनादास। अनन्य आश्रय ये भाव की सर्वोपरि उपलब्धि है, ये शिखर है भाव का, अनन्य आश्रय। तुलसी बाबा कहते हैं, बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे वा बनवे में धूर। चातक कहता है अपने पुत्र से कि मेरे मेरे इस शरीर के छूट जाने के बाद मेरा श्राद्ध भी करना तो गंगा जल से नहीं, स्वाति के जल से ही करना, मरणोपरांत भी मेरा व्रत ना टूट जाए। व्रत तो साहब जीवन में एक ही लिया जाता है, एकादशी पूर्णिमा का व्रत नहीं, जो सुबह लिया और संध्या को खोल दिया। व्रत तो इस जीवन में एक ही है और उसका पारण नहीं होता, उसका निर्वाह किया जाता है। हितरी वंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटौं जो अन रटौं, निरख अन फुटौं नैन, श्रवण फुटौं जो अन सुनो, बिन राधा यशवे। दो दिन और है हमारे पास वृंदावन की बात के लिए। आज मैं यहां लाकर वाणी को विराम देना चाहूंगा कि सर्वप्रथम यदि इस रस की आकांक्षा है, अभिलाषा है, यद्यपि वो भी साधारण पुण्य से नहीं होती, लेकिन यदि है तो सबसे पहली बात है वृंदावन का आश्रय हो। वृंदावन का आश्रय लेते ही वृंदावन सर्वप्रथम क्या कृपा प्रसाद देते हैं, वृंदावन सर्वप्रथम रसिकों का संग समुपलब्ध कराते हैं। आप खोजना नहीं, आप ढूंढने मत निकल जाना, भटक जाओगे। आपकी मेरी सामर्थ बड़ी थोड़ी सी है, क्षुद्र है, तुच्छ है, तैरकर कोई समुद्र पार नहीं कर सकता। यहां तो नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। वृंदावन का आश्रय लेना, वृंदानी सर्व महताम पहाय दूराद, वृंदा टवी मनुसर प्रणयेन चेत, सत्तारणी कृत सुभाव सुधार सौघम, राधा विधान में दिव्य निधानम अस्ति। सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, पर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी नहीं। राधा वल्लभ कुंज बिहारी के सन्मुख जाना तो 500 रुपए की पर्ची कटा के VIP बन के मत जाना। क्या कर लोगे, क्या देखाओगे, इस चमड़े की आंख से ज्यादा देखोगे भी क्या, इस आंख से कितनी दूर का देख लोगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। किसी संत के चरणों की रज से ये दृष्टि आंजनी पड़ती है, तब राधा वल्लभ और कुंज बिहारी का वो प्रेम स्वरूप अंतर के नैनों से अनुभव में आता है, देखने में आता है। स्वामी जी की बात, स्वामी शरणानंद जी महाराज की बात कहकर विश्राम लूंगा। पूर्णिमा का दिन था, लाठी टेकते टेकते सूरदास थे, बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे थे। मेरे जैसा एक व्यक्ति खड़ा था, बोले बाबा तो इस सूझे तो है ना है, तू कहा करेगो। बाबा हंसने लगे, बोले भैया बिहारी जी हैं तो सूझे, मोयना दीखे तो बिहारी जी हैं तो दीखे। मन मंदिर में सन्मुख होना ठाकुर जी के। एक शायर कहता है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, काम इतना भी मुझसे किया ना गया, कहां प्रभु की श्रीमुख वाणी है। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघनासैत। और यदि यहां तक आप पहुंचे हो
यदि वृंदावन तक आ पहुंचे हो, राधा वल्लभ कुंज बिहारी के सन्मुख होने का अवसर मिल रहा है, तो यहां तो शरणम प्रपद्ये ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है। यहां जिनके सन्मुख हुए हो, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूँ ना रिस के हूँ भूले हूँ ना होत सके, रहत प्रसन्न सदा किए मुख हासे। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जो की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते जिनके उपास हैं। हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लग, सुनियत तहाँ लग, सब दुख पास हैं। सहज सुभा प्रयो, सहज सुभा प्रयो, सहज सुभा। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा, साराधा सौख्य सीमा। आप मैं नहीं जानते कि उनकी कृपा, संतों का अनुग्रह, वृंदावन धाम की कृपा हमें कहां ले आई है। मैं आपको अपनी अनुभूति कह रहा हूं कि यहां जब कृपा होती है तब मालूम नहीं पड़ता। जब आमूल चूल बदल जाता है जीवन, जब किंचित रस का आभास होने लगता है, जब किंचित आस्वादन होने लगता है, यहां वो बात प्रत्यक्ष प्रतिष्ठित है, प्रमाणित है। तेरे दरबार आला की निराली शान यूं देखी, सखावत खुद तेरी गलियों की चक्कर काटती देखी। पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबार आला में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी दे। हमने आरंभ में एक चर्चा की कि ठाकुर जी के स्वरूप से हमारी किशोरी जी का स्वरूप कुछ विलक्षण है, कि ठाकुर जी का रूप देखने वाला आनंदित होता है, सुखी होता है, प्रसन्न होता है, लेकिन हमारी किशोरी जी का रूप कैसा है। ध्रुवदास जी कहते हैं, जोवा को देखे है जाई। अगर कभी कृपा से वो रूप सन्मुख हो जाए, जोवा को देखे है जाई, सो रूपवंत है जा। बोले वो स्वयं जानत तुम्हें, तुम्हें हो जाए, जीव रसरूप हो जाता है। इस भाव चर्चा को केवल श्रवण का विषय न रखते हुए, मैं नहीं कहता कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में समान रूप से भाव का स्फुरण हो जाएगा, पर हमारी यात्रा असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मैं तो इतना कहूँगा, साहब यहाँ तक आ पहुँचे हो तो आपका कोई साधारण पुण्य नहीं है, महाभाग्य परिपाक, नहीं तो यहाँ तक आने का बानक ही नहीं बनता। बार बार तो बनत नहीं, ये संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरु। यहां पर आकर कृपा मांगना नहीं, कृपा मनाना, पल पल कृतज्ञ रहना उनके। आने वाले दो दिनों में जो वृंदावन धाम की कृपा होगी, मैं वृंदावन की रज का आश्रय लेकर, रसिक संतों की कृपा का आधार लेकर वृंदावन का भाव कह तो दूं कि मैं राधा तत्व पर चर्चा करूंगा, पर सत्य बात यही है कि वो मेरे क्या किसी के भी वश की बात नहीं है।
चर्चा करते करते मन में चित्त में कहीं पीछे बहुत सारे प्रसंग बहुत सारी बातें आई, लेकिन फिर मन ने ही पीछे ही उत्तर दिया कि उन सब बातों को उन सब भावों को प्रकट करने के लिए शब्द कहाँ से लाऊंगा। अभाव है यहां शब्द का, और शायद इसीलिए यहां शब्द का अभाव होने से शायद इसीलिए यहां पर भाव की प्रगाढ़ता है। वृंदावन का आश्रय लेना, लिए रहना। बंदर ने एक बार कहा कि अरे मनुष्य खेती कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। बीज डाल दिया, अगले दिन खोद कर देखा अंकुर हुआ या नहीं, फिर डाल दिया, फिर अगले दिन फिर खोद कर देखा। बिल्कुल ठीक वैसी स्थिति है आपकी मेरी। आज वृंदावन आए, अरे बिहारी जी दिखाई दिए या नहीं दिए। परीक्षा नहीं करना अपने भजन की, प्रतीक्षा करना। ज्ञान की कर्म की बेली निष्फल हो सकती है, ध्यान से सुनना, ज्ञान की कर्म की बेली निष्फल हो सकती है, भावना की बेली कभी बांझ नहीं होती, उस पर फल फूल जरूर आता है, निश्चित रूप से आता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भक्त की भावना का अतिक्रमण करके नहीं जा सकते। जब गोपाल को माँ यशोदा खिला रही थी, मैया के मन में आया कि आज कन्हैया की उंगली पकड़ के इसको देहरी लंघन करना सिखाऊंगी, और कन्हैया से देहरी नहीं लांघी जाती। मैया के मन का आनंद बना रहे, मैया के मन के भाव की पूर्ति हो जाए, श्री ठाकुर जी देहरी नहीं लांघ पाते। वहां नव मंडल में नारद जी खड़े खड़े लीला देख कर गाते हैं, छिति नापि त्रिपाद करुणामय बलि छल दियो पता, देहरी उलंघ सकत नहीं सो प्रभु खेलत नंद द्वार। इसमें दो पग में त्रिलोकी नापकर ये पूछा था भली से कि अब तीसरा पग कहाँ धरूं, उससे देहरी नहीं लांघी जाती। भाव भक्त के भाव की पूर्ति के लिए जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, उनको ब्रज की करील कुंजों में नंगे पाओ चलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते तो दीदार का शौक है तो नजरें जमाए रख, पर्दा कैसा भी हो सरकता जरूर है। इसी भाव के साथ आप सबके हृदयस्थ हितभू को प्रणाम करता हूँ।